हजारों उलझने हैं जिंदगी में और कोशिश अनगिनत, फिर भी जिंदगी कहीं ना कहीं परेशानियों का दौर चलाए रखती है। शायद इसीलिए हम इन उलझनों में उलझकर हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और हार जाते हैं। कुछ लोग इस हार को बहुत गलत तरीके से ले जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, डिप्रेशन की दवाइयाँ लेने लगते हैं, नशे को पकड़ लेते हैं, नशे के आदि हो जाते हैं, या फिर किसी ऐसी राह पर चले जाते हैं जिसका कोई अंत नहीं। अंत है तो बस एक, वो है मौत। कुछ लोग ऐसी उलझनों से यारी कर लेते हैं, मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद हैं, जो ऐसी उलझनों से यारी कर लेते हैं, उन्हें अपना दोस्त बना लेते हैं और कहते हैं, आ भाई हाथ पकड़, चल साथ चलेंगे अब, ना तू मुझे छोड़ ना मैं तुझे छोड़ूं, ना तू मुझे धोखा दे और ना मैं तुझे धोखा दूं, तू मुझे ऐसे ही उलझाए रख और मैं तुझे सुलझाने का दिन निरंतर प्रयास करता रहूं। मेरे सारथी परिवार में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, किस किस का नाम लूँ मैं, जिन्होंने पिछले 4 साल में मुझे ये एहसास कराया है, मुझे ये दिखाया है कि उलझने कितनी भी हैं, हम प्रयास करना नहीं छोड़ेंगे, हम उन उलझनों से बाहर निकल कर रहेंगे। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई तो रास्ता ठाकुर जी ने हमारे लिए बनाया ही होगा। हर बार तो हम गलत रास्ते पर नहीं चले जाएंगे ना, कभी ना कभी तो हमें वो सही रास्ता मिल जाएगा, क्लिक हो जाएगा, जिस पर चलकर हम जिंदगी को सही ढंग से जी पाएंगे। तो चलिए आज एक सफल उपाय हम फिर से करेंगे अपनी ज़िंदगी की उलझनों को हटाने के लिए, फिर एक नया प्रयास, फिर एक नई बार, एक नई उम्मीद के साथ हम अपनी ज़िंदगी से लड़ाई चालू करेंगे। उलझनों का अंत ज़रूर होगा, चेहरे पे मुस्कुराहट ज़रूर आएगी और कहीं ना कहीं हम सफल ज़रूर हो जाएंगे। मैं कौन हूँ ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि आपको ये सब बताने वाला व्यक्ति है कौन, तो आप कैसे उस पर विश्वास करेंगे और कैसे इन कार्यों को पूरा करेंगे। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। जब उलझनों का कोई सार ना मिल रहा हो, कोई रास्ता ना मिल रहा हो, तो सिर्फ एक छोटा सा सारथी उपाय करना बन जाता है। आपको बुधवार के दिन हरी मूंग की साबुत दाल ले लेनी है, उसके अंदर घी मिला लेना है और थोड़ा सा उसके अंदर सिंदूर मिला लेना है, ऑरेंज वाला सिंदूर जो आप हनुमान जी को या फिर गणेश जी को चढ़ाते हैं वही वाला, थोड़े से पीले पुष्प की पत्तियां उसमें आपको डाल लेना है और ये सारी चीज़ों को एक लिफाफे में अच्छी से बांध लेना है। लिफाफा अगर कागज़ का हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप कपड़े का भी ले सकते हैं, पॉलिथीन मत लीजिएगा वरना मेरा काम ख़राब हो जाएगा। ये सारा सामान आपको एक लिफाफे के अंदर भर लेना है और उस लिफाफे को अच्छी से मोली से बांध देना है। बांधने के बाद आप गणपति जी के मंदिर जाइएगा। मंदिर में आपको 11 कदम गिनकर रखने हैं, मतलब आप जब पैर अपने बढ़ाते जाएंगे तो गिनते जाइएगा, 11 कदम आपको बढ़ाने हैं। जैसे ही 11 कदम आपके पूरे हो जाते हैं, समझ गए आप? नहीं समझे हो, मैं समझा रही हूँ। ये मंदिर का मुख्य द्वार है, आपने अपना पहला पैर अंदर रखा, ये एक कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे आपने मुख्य द्वार से 11 कदम जब आगे बढ़ा दिए, 11वें कदम पर आपको वो लिफाफा वहीं छोड़ देना है। चाहे आप मंदिर से थोड़ा दूरी पर हों, चाहे आप ईश्वर से थोड़ा दूरी पर हों, लेकिन आपको वो लिफाफा वहीं पर छोड़ देना है। छोड़ने के बाद आपको सीधा अंदर जाना है, मंदिर में दर्शन करने हैं, प्रभु से अपनी प्रार्थना बोलनी है, अपनी उलझनों को प्रभु के सामने रख देना है और उसके बाद आपको वहाँ का 7 बार प्रदक्षिण करना है, यानी कि 7 बार आपको वहाँ पर परिक्रमा करनी है। 7 बार परिक्रमा करने के बाद आप वापस आ जाएंगे अपने घर, आकर आप एक घी का दीपक जलाएंगे और उसके बाद आप घर में बैठकर
गणेश संकट स्तोत्रम का पाठ करेंगे। ये दिन में कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा लेट नाइट में भी कर सकते हैं। इसके लिए टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है। ये सवाल मत पूछेगा कि क्या पीरियड्स में हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि मंदिर जाने का काम है। ये कार्य तभी हो सकता है जब आप फिजिकली एकदम ठीक हों, स्वच्छ हों, पवित्र हों। उलझनों का कोई सिर पैर नहीं होता। बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी हमें उलझा देती हैं। किसी का ढंग से बात ना करना, किसी का हमें ढंग से रिस्पॉन्स ना करना, किसी का हमारी तरफ ढंग से नहीं देखना, कार्य हमारे सही नहीं होना, नौकरी में हमें प्रगति नहीं मिलना, बच्चों के साथ दिक्कतें, ये सारी चीज़ें हमें उलझाती हैं। और अगर ये उलझन आपको अपने साथ भी नज़र आती है तो ये उपाय एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। ज़िंदगी के अंदर आपको सफलता भी मिलेगी और आपकी परेशानियों का हल भी अपने आप हो जाएगा। कुंडली के अंदर अगर कुछ परेशानियां हैं, कोई दिक्कतें हैं, तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए या मैसेज करिए, हमसे अपॉइंटमेंट लेकर अपनी कुंडली को डिस्कस करिए। कौन सा घर आपको परेशान कर रहा है और उस घर में कैसे हम बरकत ला सकते हैं, ये जानने के लिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण ज़रूर कराइए। मैं फिर आऊँगी कुछ नया लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में PhD माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नब्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।